नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, बहुत सारे कमेंट आए हैं और अलग अलग सुझाव दे रहे हैं, हम बताएंगे। ये देखे, खाना भी हो गया है और दिनेश जी भी अभी पानी भर कर आया है और किल बिल बहुत सारी हो रही है, अभी घर में जाकर बोलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर घर में आ गए हैं क्योंकि बाहर बहुत किलबिल हो रहा है। तो बहुत सारे दोस्त हमें अलग अलग सुझाव दे रहे हैं कमेंट्स में, तो उन्हीं के विषय में हम कुछ बताना चाहेंगे। लखानीश जी के साथ में जो झगड़ा हुआ और अभी क्या हो रहा है और क्या करने वाले हैं, तो यही विषय पर हम थोड़ा बताने वाले हैं। ये बताकर हम भी बकरियों को छोड़कर चले जाएंगे खेत में चराने के लिए। तो क्या हुआ था कि जैसे झगड़ा हुआ और लखानी जी चली गई थी, तो उनके बाद में हम हमारे पूजा जी के हमारे जो बच्चे हैं स्कूल में, उनको हम स्वेटर लेने के देने के लिए गए थे। तो उधर से यहाँ पर रिटर्न आए तो तब तक यहाँ पर लखानी जी नहीं आई हुई थी। तो हम सोचने लगे कि चलो कुछ दो चार दिन गुस्से में है रहेगी शायद, तो वो आएगी, या फिर नहीं आई तो हम जाएंगे उसको मना कर लाएंगे। यही सोचकर फिर हम यहीं पर रुक गए थे। और ये बच्ची देखिए, ये भी हमारे साथ में ही थी, तारिणी। तो क्या हुआ कि सुबह सुबह मैं दोस्तों को रिप्लाई दे रहा था कमेंट्स के, तभी दिन भी नहीं निकला था। उस समय क्या हुआ कि उसके पिताजी है ना, डायरेक्ट बहुत गलत गाली देता हुआ आया लाठी लेकर। तो पूजा जी है ना बाहर बर्तन धो रही थी, बर्तन धोती हुई भागती हुई आई और उनके आगे ऐसे आड़ी होगी कि उसे मारना मत, मेरे को मारने के लिए आया था। तो तब तक मेरा पिताजी भी आया और उनको पकड़ लिया और बाहर खींचकर लेकर गए। तो ये पूजा जी को बहुत गलत गलत गाली दिया उन्होंने यहाँ पर, और दिन भर भी ऐसे ही गाली देता रहा। तो हम यहाँ से है ना उस मैटर में ऐसे ये हो गए, फिर हम खेत में निकल गए और वहीं पर हमने आपको बताया थोड़ा वीडियो में। तो क्या हुआ कि फ्रेंड्स, दिन भर मतलब ये झगड़ा यहाँ पर जो हुआ, तब ये तारिणी भी घर पर चली गई थी, उनके वहाँ यही गांव में ही रहते हैं, तो वहाँ चली गई। तो हम उधर से पानी भी नहीं भरने वाले थे पर लाइट नहीं आया। तो क्या हुआ कि घर पर शाम को आए तो खाना पीना बना रहे थे, तो क्या हुआ ये लड़की है ना रोती हुई आई, रोती हुई मतलब 7-7:30 बजे रोती हुई आई हमारे पास में और बोलने लगी, बोले मेरे को धक्के देकर मार कर भगा रहे थे, बोले वो लोग जाओ चली जाओ बोले। तो हम वो उसकी मौसी, बड़ी मौसी। तो इस बात से मानो यह फर्स्ट मैसेज वो लोग हमें दे रहे हैं कि आपके बच्चे समझदार होने के बाद में, मतलब चलते फिरते होने के बाद में भेज दिया जाएगा और उन्हें नहीं हम भेजने वाले हैं लखनी जी को, ऐसा वो स्पष्ट बोल रहे हैं हमें। ये लड़की को ऐसे धक्के देकर उनको भेज दिया। तो ये हमारे पास में ही रही रात भर, अभी भी अभी अभी आई है वहीं से खेलकर, हमारे पास में रहना अच्छा पसंद करती है। तो ये देखिए, पूजा जी कुछ बोलना चाहेगी तो बोल सकती हो आप। दोस्तों, मैंने मारने से रोका इसलिए उन्होंने गाली दी, पर मैंने गलत थोड़ा किया है तो डायरेक्ट मतलब इतनी गंदी गंदी गाली दे रहा है तो पूछे मत, पूरा दिन गाली देते देते निकला है उसको। मैंने क्या किया है, दिनेश जी को मारने लगा था तो मैं रोक रही थी और इतने में मेरे ससुर जी भी आकर रोकने लगी, रोक कर क्या मैंने गलती थोड़ी की है, मुझे तो बोलना भी नहीं आता है बराबर से, रोक कर मैंने इतनी बड़ी गलती नहीं की है, क्योंकि उनकी लड़की का थोड़ा काम था तो वो उसने किया नहीं, तो उसकी लड़की को समझाना चाहिए। तो
तो डायरेक्ट दिनेश जी को कभी भी आते हैं और कभी भी मारते हैं। अभी भी नहीं गए हैं वो, उसके इसके आगे तो 4, 5, 6, 7 दिन गई है, मतलब दिन नहीं 6, 7 बार गई है। कभी भी उसका पिताजी आता है और दिनेश जी को मारता है कभी भी। अभी दवा खाने में से लाया है, फिर 1 बरस हुआ है उनको, तो डायरेक्ट अभी भी मारेगा। तो मेरे मन में क्या कुछ नहीं आएगा, वो काम नहीं करते हैं, मतलब ये घर का झाड़ बर्तन खाना इतना ही नहीं है, यहाँ शहर नहीं है। मैं मजूरी को भी जाती हूँ, फिर मैं बकरिया को भी चराती हूँ, और वो जाते हैं उसकी माँ बाप के खेत में, तो 2, 3, 4, 5 दिन रहकर आती है वो। तो उसके माँ बाप का वहाँ काम अच्छा लगता है, और हमारा घर का जो खेत है वो उसको नहीं अच्छा लगता है। तो वो पैसे देते होंगे कि नहीं वो तो पता नहीं, पर दोस्तों वो तो ये तो बारीक बात है, ये जाने दे। पर दिनेश जी को कभी भी मारते हैं उसके उसके पिताजी, थोड़ा 2-3 थापड़ मारो क्या लाठी से मारो दिनेश जी, तो वो चली जाते हैं। फिर उनका पिताजी आता है और दिनेश जी को मारता है, क्या उसने खड़े नहीं किया है दिनेश जी को? अभी तक मेरे को भी मारता है, ऐसा नहीं है कि मेरे को मारता नहीं है, ऐसा कौन कहता है कि मेरे को मारता नहीं है, उससे ज़्यादा तो मुझे मारता है। पर मैं नई पिताजी के घर गई हूँ, और मेरे पिताजी भाई ऐसा कोई भी उसने उसको करा तभी भी नहीं हाथ लगाया, मेरे पिताजी ने मेरे भाई एक की है उसने, किसी ने नहीं मारा। पर दोस्तों देखो, वो इसके घर में बड़जोबरी घुसेड़ी है इसको, क्या काय मारने के लिए घुसेड़ी है दोस्तों, इतना हाल किया है, इतना मार खाया है, फिर जहर भी पिया है इसके उसके लिए, तो उसने कैसा रहना चाहिए? अभी की बात नहीं है, अभी पहले भी ऐसा हुआ 2-3 बार, तभी भी उसका पिताजी ने आकर मारा, एक थापड़ भी नहीं लगते है और वो चले जाते हैं और पिताजी आता है। ऐसी औरत होती है? नहीं होती है, मैं भी औरत ही हूँ, पर मुझे तो ऐसा शिकाया नहीं मेरे माता पिता ने, पर उसका माता पिता ऐसा है जो एक थापड़ भी लगती है तो वो डायरेक्ट आकर इसको मारते हैं, ठोकते हैं। 4-5 मार हो गया है दिनेश जी को, अभी भी आया था, फिर मैं बोलने लगी कि तेरी लड़की को अकल नहीं है, काम क्या करना है क्या नहीं, किसी की मजबूरी भी आती है, मैं ऐसी रोज नहीं भेजती हूँ। अभी 4-5 महीनों में एक ही बार, पहले भी वो भेजी थी बच्चों के लिए, हम भी तभी जाने लगे थे तो उधर से आए और दिनेश जी को क्या बोलने लगी कि आज से कभी भी बोला तो इसका ख्याल रखना, तेरी मैं ऐसी हालत करूँगी तो पूछे मत, ऐसा बोला। अभी 4 महीना हो गया है इस बात को, तो तभी से परसों उसने तभी से मैंने परसों बोला दिनेश जी को के बोलो लखानी जी को, मेरी तो हिम्मत नहीं हुई, पर इसने बोला तो उसने बोला था, इतना बड़ा तमाशा, मतलब ये घर की कुछ भी नहीं इज्जत बिज्जत। तो मेरी देरानी का उसका 6 महीने का लड़का है और मेरी देरानी की 4 महीने की लड़की है, तो तभी भी वो बेचारी मेरी देरानी गई हालत को देखकर, पर ये घर की थी तो उसको तो समझना चाहिए था ना कि इतनी सी बात को इतना बड़ा हंगामा तमाशा क्यों करे, उसको क्यों नहीं आकर ऐसा कायम करते हैं दोस्तों, अभी भी नहीं करा
ऐसा हुआ है, वो ऐसा ही करते हैं, क्योंकि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे ऐसी बात है हमारे घर में। हमारे घर की इज्जत मुझे पता है, घर की इज्जत बाहर नहीं निकालना चाहिए, पर दोस्तों इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि कोई बच्चे भी या इसमें से दिखती नहीं है, तो सब दोस्त बोलते हैं कि ये किधर गई, वो किधर गई, वो तो डायरेक्ट बच्चों को लेकर गई, तो हम ये बात को कैसे छुपाएं। मुझे पता है दोस्तों, मेरा घर है, इज्जत मैं बेचना नहीं चाहती हूँ, और कभी मैंने ऐसा काम नहीं किया है, क्योंकि ये मेरा घर है, मैं इज्जत नहीं बेच रही हूँ। मैं बता रही हूँ कि मेरा गुनाह क्या है, और इतनी गाली मैंने कभी जिंदगी में किसी के मुँह से मैंने समझी भी नहीं है, और किसी का मैंने ऐसा देखा भी नहीं है। मेरा गुनाह क्या है? उसका बच्चा है तीनों, मेरे बच्चे के बराबर है, मेरे बच्चे तो दूर है और दूर रहते हैं और बड़े भी हो गए हैं, पर वो छोटे हैं, पर मेरा ऐसा जान निकलता है वो तीनों बच्चे के लिए, पर मेरे बच्चे के लिए तो उसका एक दिन भी ऐसा ख्याल नहीं आया कि बेचारी को जाने दे। ये बहुत बड़ी गलती है दोस्तों। तो फ्रेंड्स देखिए, बाद में हमारी जो तारिणी बच्ची थी, उन्होंने रोते हुए बोला था पहले कि मेरे को धक्का मार कर भगाया, और उसके बाद में खुद यह बोलने लगी कि मम्मी दूसरे पति को करने वाली है। तो मेरी मौसी बोलती है कि तू मेरी मम्मी को हम दूसरा पति कराएंगे, तो वो गुस्से से क्या बोली, ऐसा बोलकर कि एक नहीं, दो नहीं, चार, पांच, छह, सात ऐसा पति कर रही है, ऐसा उसने बोला। तो क्या मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, वो दूसरा करे, चौथा करे, पांचवा करे, वैसा करती रहे, वैसा कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारे जो बच्चे हैं उनके जहन में ऐसी गंदी गंदी हाँ। बातों का ये कुछ डालना नहीं चाहिए। मैं उन लोगों को यह बोलना चाहता हूँ, वो करे या ना करे, पर देखिए हमने उसके पीछे क्या किया है क्या नहीं, हमने पूरा स्टोरी बताया है, आप फ्रेंड्स देख सकते हो, हमने पार्ट पार्ट से बताया है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वो अगर आना चाहे तो आ सकती है, और नहीं भी आना चाहे तो रह सकती है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि हमारे बच्चों को अभी भी अगर सब सारे बच्चों को भेज दिएगे ना, वो भी हमारे लिए अच्छा है, पर हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके दिमाग में ऐसे बुरे ख्यालात ना भरे तो बेहतर रहेगा। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स हमारा आज का इतना ही यही वीडियो रहेगा, और हम अभी खेत में जा रहे हैं, और शायद वो लोग भी देखते ही है, तो उन्हीं के लिए हमने यह बात बताया है, वो करे या ना करे, उनके लिए पेड़ पर लगे होते हैं पत्तों की तरह पति आदमी, तो वो शादी करेंगे। तो देखिए उनकी लड़की हीरोइन है, तो उनके लिए कहीं भी आदमी मिल जाएगा, पेड़ और पर लटका हुआ सब तो हीरोइन लोगों को आदमी मिल जाता है, और हीरोइन लोग कुछ भी काम घर का नहीं करती है, बस उनके घर वालों का यह मानना है। तो कोई नहीं, वो आना चाहे तो आ सकती है, और नहीं भी आना चाहे तो नहीं भी आ सकती है, हम देखेंगे आगे। हमारे बच्चों को ऐसा जहन मतलब दिमाग में कुछ भी गंदे विचार ना भरे तो अच्छा रहेगा, यही कहना चाहूँगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए और सुरक्षित रहिए। आप सभी दोस्तों से हम इजाज़त लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।